एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, आज दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 4:30 बजे माँ लक्ष्मी की पूजा से, जिससे मन को काफ़ी सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज है थर्सडे और आप लोगों को पता है कि मेरे यहाँ आज थर्सडे के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो पूजा वूजा मैंने कर लिया था, बस आरती पूरे घर में दिखाना था, तो वही मैंने दिखा दिया। और अगर आप लोगों को मेरे दुपट्टे में थोड़ा बहुत भी कुछ दिख रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर मारिएगा, क्योंकि हुआ ये कि सुबह सुबह मुझे बिल्कुल मेरा दुपट्टा मिल नहीं रहा था, तो जो मिला मैंने उठा लिया। क्योंकि होता ही है ना कि सुबह सुबह इतनी सुबह सब सोए हुए हैं, तो फिर किन्हीं की नींद ख़राब करना भी अच्छी बात नहीं है ना। आप लाइट ऑन कर सकते हो एंड कबर्ड भी आप एकदम हल्के से खोलोगे, थोड़ा सा भी आवाज़ किया तो सब उठ जाना है। तो मैं मोबाइल की लाइट से ही सब तरफ खोज रही थी, तो मुझे नहीं मिला, जो मिला मैंने उठा लिया, तो इसलिए प्लीज़ उसे इग्नोर मारिएगा। तो पूजा वूजा बड़े अच्छे से हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के लिए लंच बनाने और सुबह के नाश्ते की तैयारी करने। तो आज काफ़ी सोच समझ के बनाना होता है, क्योंकि आज पूरा शुद्ध भोजन बनता है हमारे यहाँ, बिना लहसुन प्याज सरसों तेल ये सब बिना यूज किए हुए। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐसी क्या सब्जी बनाऊँ जो टेस्टी लगे बिना लहसुन प्याज के भी। तो बैंगन घर में था तो मैंने आलू बैंगन निकाल लिया और फटाफट उसे कट कर लिया है, क्योंकि आलू बैंगन आलू कद्दू ये ही कुछ एकाध सब्जी है, या आलू दम ऐसे कुछ एकाध सब्जी हो जो बिना लहसुन प्याज के और बिना सरसों तेल के अच्छी लगती है, जिन्हें आप आराम से खा सकते हो। तो इसलिए मैंने आलू बैंगन कट कर लिया है और उसे साइड रख देते हैं। उसे पहले यहाँ थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी मैंने कट किया ना तो थोड़ा बहुत गंदा गिरा था, तो उसे फटाफट साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं लग गई थी बच्चों के लिए लंच बनाने, क्योंकि जैसे सब्जी घर में आज बन रही है बच्चे वैसा नहीं ले जाना पसंद करते हैं स्कूल, सही भी बात है। अगर गर्मा गर्म खाना हो घर में तो बात अलग है, लेकिन स्कूल में अभी वो लेके जाएंगे, कब लंच होगा कब वो खाएंगे, तो फिर वो टेस्ट मज़ा नहीं आएगा ना। क्योंकि देखिए, लहसुन प्याज के साथ सरसों तेल के साथ जो सब्जी बनती है उसका टेस्ट अलग रहता है, और ऐसे आप जो बना रहे हो उसका टेस्ट अलग रहता है, तो बच्चे नहीं खाने खोजते हैं। घर में रहते हैं तो मैं फिर भी खिला देती हूँ, बट लंच में वो अच्छे से लंच कंप्लीट करके नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए आज पास्ता बना रही हूँ। ऐसे पास्ता फ्राइडे सैटरडे देती हूँ, लेकिन आज उन्हें मुझे देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं जो घर में मैंने नाश्ता बनाया है वो दूंगी तो वो प्रॉपर खा के नहीं आएंगे। तो अच्छा है कि उनकी मनपसंद चीज़ ही दे दूँ, ताकि वो अच्छे से अपना लंच फिनिश करके आए। तो बस रेडी था मसाला, मैंने अच्छे से फ्राई व्राई कर लिया था, लास्ट में बस पास्ता ऐड करना था। तो चलिए फटाफट पास्ता बनाते हैं और बच्चों को फिर रेडी करना भी है। तो पास्ता तो बनकर रेडी था, बट मेरा नाश्ता नहीं बना था, तो उसी के लिए मैंने फटाफट कुकर में आलू बैंगन बैठा दिया और इधर मैं आटा गूंथने में लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करना है। पास्ता उनके लंच के लिए है, बट नाश्ता वो प्रॉपर घर से पूरी सब्जी रोटी सब्जी जो उन्हें खाना है वो खा के जाएंगे, क्योंकि मुझे तसल्ली रहेगी कि बच्चे कुछ खा के निकलें। क्योंकि पास्ता मैं बनाती हूँ भले बच्चों के लिए, बच्चों को पसंद है, बट मुझे पर्सनली नहीं पसंद है। मैदा से बनी कोई भी चीज़ें बच्चों के लिए क्या, हमारे हेल्थ के लिए भी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है। तो ठीक है, लंच में ले जाएंगे, बट घर से मैं प्रॉपर उन्हें नाश्ता करवा के भेजूंगी, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आटा उटा भी मैंने गूंथ लिया और फटाफट चलिए अभी उसको रेडी करते हैं। तो वो लगभग रेडी हो चुका है, बस स्वेटर और थोड़ा बहुत मुझे करना था, तो वही मैं यहाँ स्वेटर उसे पहना रही हूँ, और थोड़ा उसका ना तबीयत ख़राब है कल से, तो वही मैं देख रही थी पता नहीं भेजूँ नहीं भेजूँ, क्योंकि डर सा रहता है ना। अभी आप तो ठीक है दवा खिला के भेज दो, फिर स्कूल के बीच में क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे तो स्कूल में रहते हैं मेडिकल रूम, बट फिर भी थोड़ा सा तो डर बना हुआ रहता ही है। रात में मैंने मेडिसिन खिलाया था उसे, तो थोड़ा सा अभी कंट्रोल लग रहा है, तो अभी नाश्ता करवा के फिर मेडिसिन खिलवा दूंगी। ऐसे में बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो पूरा दिन दिमाग वहीं रहता है कि पता नहीं कैसा है क्या है, तो मैंने अच्छे से समझा दिया कि अगर कुछ भी लगे सीधे मैम के पास जाना, मेडिकल रूम जाना, और अगर वैसा कुछ होगा तो फिर तो टीचर लोग कॉल करेंगी ही। तो चलिए, बच्चों का टाइम भी हो गया है और निकलते हैं, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही असल काम की शुरुआत होती है। अभी कामों की लाइन लगी हुई है, बस इनके जाने की देरी, उसके बाद फिर मेरे सारे काम फटाफट स्टार्ट हो जाएंगे। तो यू का टाइम हो गया था, तो यू निकल गया, प्रीत के स्कूल में अभी थोड़ा सा टाइम है तो वो थोड़ा सा लेट से जाएगा। तो बच्चों के जाने के बाद इन्हें भी मैंने नाश्ता दे दिया था कि आप भी नाश्ता कर लो, तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, सिर्फ मेरा बच्चा हुआ रहेगा तो मैं प्रसादी बना के आराम से अपना बनाऊंगी। उसके बाद मैं चाय भी साथ ही साथ ले आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और काम करते रहो ना तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब मॉर्निंग में मैं 4 बजे नहा के निकली थी ना, हालत ख़राब हो रखी थी, कितना मुश्किल से उसे मैं नहाना हुआ मैं ही जानती हूँ, बट ज़रूरी भी था क्योंकि पूजा पाठ रहता है तो ये सब तो करना ही पड़ता है आपको। बट अब भी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मैंने जैकेट पहना है, उसके बाद सॉल भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी, ये तो अच्छी बात है कि मेरे बेडरूम में मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप आती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा राहत है, नहीं तो फिर छत जाना पड़ता। और छत में क्या है ना, देखिए बाहर धूप तो है लेकिन हवा भी काफ़ी चल रही है, तो धूप का कोई मतलब ही नहीं है। सबसे अच्छी बात मेरे घर की आपको यही लगेगी कि ठंड के दिनों में आप आराम से एकदम रह सकते हो, क्योंकि धूप इतनी अच्छी आती है मेरे घर में, पूरे घर में ऑलमोस्ट, कि आपको छत जाने की या बाहर निकलने की धूप के लिए ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से घर में रह के भी धूप का मज़ा ले सकते हो।
चाय पीना हमारा हो गया था, उसके बाद मैं किचन आ गई थी क्योंकि अभी अब असल काम मेरे स्टार्ट होने वाले हैं। किचन में जो खाना वाना बनाया था मैंने, ऐसे तो आज बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनाया है, एकदम शुद्ध भोजन, लेकिन फिर भी अभी प्रसाद बनाना है तो पूरे अच्छे से गैस को, काउंटर टॉप को पूरे अच्छे से क्लीन करना होगा, क्योंकि जब प्रसाद बनाते हैं तो वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा रहनी चाहिए। तो अभी सब चले गए घर से, बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, ये भी अपने काम में निकल गए, चाय भी हमारा हो गया। तो अब नाश्ता तो पहले मॉर्निंग में ही मैंने बना लिया, तो अभी वैसा कुछ है नहीं, अभी सिर्फ प्रसाद बनाना है, इसीलिए पूरे गैस को, काउंटर टॉप को पूरे अच्छे से सबसे पहले मैं क्लीन कर देती हूँ और उसके बाद फिर प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। तो किचन को ऊपर नीचे पूरे अच्छे तरीके से पोंछने के बाद मैं वापस कपड़े ऊपर चेंज करके आ गई थी प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि जब आप प्रसाद बनाते हो जूठे कपड़े में बिल्कुल नहीं बना सकते हो, फिर से आपको पैर हाथ धो के कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो वही मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी प्रसाद बनाने। तो आज प्रसाद में बन रहा है सेवई, तो ये बनता है सेवई चावल के आटे का, तो उसके लिए मैंने दूध बॉईल करने के लिए बैठा दिया और यहाँ चावल का आटा मैंने रेडी कर दिया है, तो ये थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद इसे आटा के जैसे गूंथेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रसाद बना रही हूँ मैं आज, ये सिर्फ पूजा में ही बनता है, ऐसे बहुत कम आपको दिखेगा बनते हुए घर में, पूजा के नाम पे बन जाते हैं, क्योंकि देखिए ये सब प्रसाद में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, तो पूजा है, पूजा में चढ़ाना है भोग माँ को, तो उस नाम पे ये बन जाता है। तो चलिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है चावल का आटा, तो उसे फटाफट पहले गूंथ लेते हैं अच्छे से। मैंने थोड़ा सा गीला ही रखा है, ज़्यादा टाइट नहीं रखा है, क्योंकि जो मैं आज बनाने वाली हूँ सेवई वो थोड़ा सा गीला रहेगा तो ही अच्छा से बनेगा। चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने दूध उधर बॉयल करने के लिए बैठा दिया है और इधर मैंने चावल का आटा रेडी किया, कद्दू जिसे बोलते हैं हम, वो रेडी कर दिया है। उसके बाद उसे आटे की तरह अच्छे से एकदम सॉफ्ट आटा गूंथ लिया है और छोटी छोटी लोइयां लेके ऐसे हम जैसे हम रुई की बाती कैसे बनाते हैं वैसे ही मैं बाती टाइप का बना रही हूँ इसे, इसी के सेवई बनेगी। तो ऐसे कर करके हमें बहुत सारे बना लेने हैं, एकदम पतले पतले, जितना पतला हो उतना अच्छा है, लेकिन अभी हड़बड़ी है तो मैं ज़्यादा पतला कर नहीं रही हूँ, जितना हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए इतनी सारी मेरी बन के रेडी है, तो बस दूध बॉयल हुआ उसमें हम इसे डाल देंगे और उसके बाद साथ ही बहुत सारी किशमिश, जितना आप डालो, ड्राई फ्रूट जितना आप डाल सकते हो उतना डाल सकते हो, उतना टेस्टी लगेगा। तो मैंने किशमिश सिर्फ ऐड किया है, तो किशमिश डाल के इसे हल्की हल्की धीमी धीमी आंच में पकाएंगे और हमेशा चलाते रहेंगे धीरे धीरे, बस ये नीचे से सटना नहीं चाहिए नहीं तो फिर इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो सेवई बनकर रेडी थे, बस लास्ट में थोड़ा सा चीनी ऐड करना था, तो वही मैं चीनी यहाँ ऐड कर रही हूँ। उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाने के लिए निकाल लेंगे, अभी थोड़ा सा गर्म है इसलिए दोना में निकाल के रख लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद फिर भगवान को प्रसादी चढ़ाएंगे। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग बताइएगा और एक बार ट्राई भी करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में और ठंडी करके खाओगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए भगवान का प्रसाद तो रेडी हो गया, उसके बाद ठंडा जब हो गया था तो उसके बाद मैंने भोग लगा दिया और खाना बना के मैं आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और सुबह से बाल झाड़ने तक अभी फुर्सत मुझे नहीं था, इतना ज़्यादा काम हो गया था। तो कभी कभी ऐसा सभी के साथ होता होगा कि घर के इतने सारे काम होते हैं कि बस एक आप जूड़ा ही कर लो वही काफ़ी है, तो वही मेरे साथ भी होता है। तो चलिए फ्रेंड यही था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।